हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में जो नेटवर्किंग में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस और हार्डवेयर्स। तो उस सीरीज में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये सारे के सारे आठ टोटल, सबको आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये आठ डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और इन सारे डिवाइसेस का क्या क्या रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले डिवाइस से स्टार्ट करना शुरू करें तो सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है वो है एनआईसी, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारी यहाँ पे जाती है लैन की वायर, राइट। तो जैसा कि कहता है इसका डेफिनेशन कि एनआईसी इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट इज अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन, जो हर एक कंप्यूटर के साथ ही जुड़ी हुई होती ही होती है, एंड सर्वर, और सर्वर के साथ भी जुड़ी होती है, एंड हेल्प्स द वर्क स्टेशन स्टैब्लिश कनेक्शन विद नेटवर्क। और इसी की वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी वर्क स्टेशन पे हो पाती है। देन एनआईसी इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, एनआईसी को हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि टीएपी, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट यानी कि एनआईयू भी कहते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा, एनआईसी क्या होता है? तो एनआईसी एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे एक स्लॉट हमें मिलता है जिस स्लॉट में हम जब लैन की वायर लगाते हैं तो हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, मतलब इस एनआईसी कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें जरूर होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है मैक एड्रेस, इसी से निकल के आता है। मैक एड्रेस क्या होता है? तो द एनआईसी मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो वो डिवाइस बनाते हैं, असाइंस अ यूनिक फिजिकल एड्रेस, वो एक स्पेशल यूनिक फिजिकल एड्रेस देते हैं हर एक कार्ड को, मतलब आईडी। एक तो आप कह सकते हैं जैसे आप कहीं काम करते हैं या फिर आपके पास एक अपना एक आईडी है, प्रॉपर आधार आईडी, जैसे आपका आधार आईडी अलग है, मेरा आधार आईडी अलग है, आपका अकाउंट नंबर अलग है, मेरा अकाउंट नंबर अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एनआईसी कार्ड को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यूनिक फिजिकल एड्रेस दिया जाता है, विच इज कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एड्रेस यानी कि फुल फॉर्म क्या हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एड्रेस तो एड्रेस ही रह गया, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस दैट इज मैक एड्रेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एनआईसी जो बनता है, जो कार्ड है हमारा, उसमें उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस। ये होता है कितने का? तो इट इज अ 6 byte एड्रेस, यानी कि ये मैक जो एड्रेस होता है वो 6 byte का एड्रेस होता है, और सेपरेटेड बाय कोलोन, और कोलोन साइन के जरिए सेपरेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ये है हमारा एक मैक एड्रेस, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, 5 byte और 6 byte, देखिए 6 bytes का मैंने कहा था। और इसमें क्या होता है, जो देखिए ये तीन जो शुरू के होते हैं, फर्स्ट थ्री को अलग चीज है और सेकेंड थ्री जो है वो अलग चीज है। क्या कहता है यहाँ पे कि द फर्स्ट थ्री आर मैन्युफैक्चरर आईडी, यानी ये तीनों जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर आईडी होते हैं जो असाइन किए जाते हैं किसके जरिए, असाइन टू द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर्स को असाइन किए जाते हैं, जो उनको बनाते हैं उनको असाइन किए जाते हैं बाय IEEE। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरर्स को ये एक यूनिक आईडी देती है, और हर एक मैक एड्रेस में सबसे जो तीन शुरू के बाइट्स होते हैं वो होते हैं उस मैन्युफैक्चरर की आईडी जिसने वो एनआईसी कार्ड बनाया है, और बाकी का जो लास्ट का तीन जो बाइट होता है वो कार्ड का नंबर होता है, यानी कि यूनिक एड्रेस ऑफ द कार्ड, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर देता है उस कार्ड को, जिसने, जिस मैन्युफैक्चरर ने उस कार्ड को बनाया है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैक एड्रेस, राइट। दूसरा होता है वाईफाई कार्ड, ये तो आपको पता ही है, वाईफाई कार्ड आपके सिस्टम में जब तक लगेगा नहीं, आपके पीसी में वाईफाई कार्ड जब तक लगेगा नहीं तब तक आपका पीसी वाईफाई सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाएगा। पहले के वाईफाई कार्ड्स में ये एंटीना टाइप का आता था, आजकल एंटीना टाइप नहीं आता है। जैसे हमारे लैपटॉप में भी तो आखिर वाईफाई कैच करता है, लेकिन क्या उसमें कोई एंटीना टाइप कुछ होती है? नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, अब इसमें एंटीना की भी जरूरत नहीं होती है, राइट। तो क्या कहता है, अ वाईफाई कार्ड इज इधर अ इंटरनल, यानी ये इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क एडाप्टर विद बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना, यानी कि इसमें बिल्ट इन, देखिए इसमें तो बाहर आपको एंटीना दिख रहा है, इसमें एंटीना बाहर नहीं दिख रहा है,
बिल्ट इन हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट हैविंग हार्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस। हार्ड लाइन मतलब बिना वायर के, हार्ड लाइन मतलब होता है बिना वायर के भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके सिस्टम में ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है तो आपका सिस्टम वाईफाई सिग्नल्स को कैच करके इंटरनेट से कनेक्टिविटी दे सकता है। ये वाला जो है NIC कार्ड, ये सिर्फ आपको क्या करेगा, आपको फैसिलिटी देगा कि आप लैन की वायर के जरिए इंटरनेट में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ये है वायर्ड और ये है क्या, वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइडर, राइट। अब आते हैं तीसरा जो हमारा डिवाइस है वो है हब। हब होता है क्या, देखिए आपके पास एक लाइन आती है ना, आपके पास जब भी आप किसी से कनेक्शन लेंगे एक लाइन आएगी। और मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास, तो क्या कीजिएगा, तो आप इस एक लाइन को हब में डाल देते हैं। और हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स, जिस पोर्ट से आप हर एक को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये होता है हब का काम। जो काम हब का होता है सेम वही काम स्विच का भी होता है। तो ये डिवाइस जो मैंने बताया, ये या तो आप इसको हब मान सकते हो या तो आप स्विच मान सकते हो। हब जो है वो ओल्डर टेक्नोलॉजी है, सेम चीज स्विच करता है न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ। और हब से ज्यादा जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है स्विच। मतलब कह सकते हैं कि हब और स्विच दोनों एक ही हैं, बस फर्क क्या है कि हब पुराने जमाने का है और स्विच जो है वो नया जमाने का है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि स्विच आर इंटेलिजेंट हब्स, यानी हब्स में और भी मॉडिफिकेशन किए गए, ज्यादा उनको अच्छा बनाया गया, तो जो अगली चीज निकल के आई वो क्या हो गई, स्विच हो गई, ठीक है। तो अगला डिवाइस आई थिंक देखिए स्विच ही है, सेम है। यहाँ पे भी मत देखिए, एक पोर्ट से मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कनेक्शन जा रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए कनेक्शन जा रहा है इस एक पोर्ट से, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, यहाँ से आप कनेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या कहता है डेफिनेशन, अ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, विच इज यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, जिसका यूज करके आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अ सिमिलर टर्म इज कंसंट्रेटर, इसको एक सिमिलर टर्म इसको कंसंट्रेटर भी कहते हैं। अ कंसंट्रेटर इज अ डिवाइस, यानी कंसंट्रेटर एक डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फ्रॉम केबल्स फ्रॉम वर्क स्टेशन सर्वर्स पेरिफेरल डिवाइस। मतलब सारे कनेक्शन आगे इसी से जुड़ते हैं ना, जितने भी आगे कंप्यूटर्स होंगे सब आगे इसी से जुड़ेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट किया ना इसने सारे अलग अलग चीजों को, सारे अलग अलग वायर्स को एक जगह लाके क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वॉट, कॉन्सेंट्रेटर एज वेल। हब्स कैन बी ईदर एक्टिव और पैसिव, दो तरह के हब्स होते हैं, एक्टिव हब्स और कौन से, पैसिव हब्स। एक्टिव हब किसे कहते हैं, तो एम्पलीफाइज द सिग्नल As it moves from one connected device to another device, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब डेटा ट्रांसफर होता है, यानी कि जब डेटा मूव करता है, सिग्नल मूव करता है, तो उस सिग्नल को अगर वो एम्पलीफाई कर पा रहा है हब, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव हब। और अगर उसी सिग्नल को जब पास करते समय एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है, बिना किसी चेंज के कर पा रहा है उसको पास, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव हब, राइट। दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट, मैंने बताया स्विच होता है। तो स्विच देखिए डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि अ स्विच इज एन इंटेलिजेंट हब, यानी स्विच जो होता है वो एक इंटेलिजेंट हब होता है। लाइक हब स्विच हैज आल्सो मल्टीपल पोर्ट व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, ठीक है। यानी कि जो इसका यूज किस लिए किया जाता है, सेवरल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि स्विच और हब एक ही काम करते हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। अ हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं हमारे नेटवर्क के, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो उसमें जो एक हब जो है उस नेटवर्किंग लेयर के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, जो लेयर वन होता है, OSI लेवल, ठीक है, OSI मॉडल होता है जिसमें। जबकि देखिए OSI मॉडल क्या होता है, हालांकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, OSI मॉडल का मतलब होता है कि जो हमारा नेटवर्क होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ले जाता है, तो उसको ले जाने में बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलके काम करती हैं। उन सारी चीज़ों को OSI मॉडल के जरिए समझा जाता है कि कोई एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है, पास ऑन होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें काम करती हैं। तो उसी को बहुत सारे लेयर्स में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं OSI मॉडल, जिसमें एक लेयर होता है फिजिकल लेयर, और इसी फिजिकल लेयर पर काम कौन करता है, हब। जबकि स्विच जो है वो वर्क करता है किस पे, डेटा लिंक लेयर पे, जो होता है लेयर नंबर 2। ये याद कर लीजिए आप कि लेयर 1 पे काम करता है, ठीक है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, जबकि स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। दूसरा, स्विच इज मोर एफिशिएंट देन हब, स्विच जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है।
और थर्ड क्या कहता है, स्विच इज स्मार्टर देन हब टू डिटरमाइन द टारगेट ऑफ द फॉरवर्डिंग डेटा। मतलब कि ये जो स्विच होता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है, ठीक है, हब से, क्योंकि उसे पता होता है कि डेटा को कहाँ फॉरवर्ड करना है। सिंस स्विच हैज हायर परफॉर्मेंस, स्विचेस की परफॉर्मेंस काफी हाई होती है, इट कॉस्ट ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव, तो ये हब से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब एक चीज मैंने आपको ये बताया कि इसको पता होता है कि डेटा कहाँ फॉरवर्ड करना है। ध्यान से देखिएगा, एक जब इंफॉर्मेशन आती है और वो हब में आती है, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन हब में गई, तो उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो हब जो है वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन आया उस इंफॉर्मेशन को सारे कंप्यूटर्स के पास भेज देता है, और जो जिसको उसकी जरूरत होती है वो, मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या काम था, ध्यान समझिएगा दोनों में फर्क, कि मान लीजिए ये एक नंबर कंप्यूटर था, ये दो नंबर था, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पांच नंबर, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पांच नंबर कंप्यूटर के लिए भेजी, तो ये हब क्या करेगा जो है इस इन्फॉर्मेशन को पांचों कंप्यूटर को भेज देगा, राइट। अब पांचवें वाले को इसकी जरूरत थी तो वो इसको रख लेगा, बाकी सब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन पहुंचा तो पांचों के पास। जबकि यही अगर स्विच होगा और मैं यहां से पांचवें नंबर कंप्यूटर के लिए इन्फॉर्मेशन को भेज रहा हूं, तो वो वन नंबर पे नहीं भेजेगा, टू नंबर पे नहीं भेजेगा, थ्री नंबर पे नहीं भेजेगा, ठीक है, फोर्थ नंबर पे नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सीधे कहाँ भेजना है, फिफ्थ वाले को भेजना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो फिफ्थ वाले के लिए आ रही है। तो मतलब वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, पता लगा सकता है, एक स्विच जो है वो पता लगा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है वो किसको पास करनी है, जबकि एक हब जो है ये पता नहीं लगा पाता है और सबको भेज देता है। और यही डिफरेंस होता है एक स्विच में और एक हब में। इसीलिए कहा जाता है कि स्विच जो होता है वो इंटेलिजेंट हब होता है, होता तो हब ही है लेकिन उसको पता है कि किधर फॉरवर्ड करना है डेटा को, राइट। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। अब आइए ब्रिज क्या होता है, पिक से ज्यादा क्लैरिटी आती है, इसलिए मैंने हर एक प्रेजेंटेशन में पिक लगा रखी है, हर एक स्लाइड में लगा रखी है। तो आपको जो ब्रिज होता है, देखिए एक लाइन आपका ये है और एक लाइन आपका ये है, दो लाइन है, दो डिफरेंट टाइप्स के लाइन्स को अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है एक यूनिट के जरिए, तो वो कौन काम करता है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, ठीक है। आप देखते होंगे कि दो स्टेट्स के बीच में भी अगर नदियां हैं, दो कंट्रीज के बीच में भी नदियां हैं, तो उन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, एक ब्रिज कनेक्ट करता है। तो सेम काम यहाँ पे भी ब्रिजिंग करता है, नाम इसको ब्रिज ही दिया गया उस डिवाइस को। तो अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये एक नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस, जो बहुत सारे लैंस को आपस में कनेक्ट करता है टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर लैन, ताकि एक बड़ा सा लैन बन सके, लोकल एरिया नेटवर्क। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क ब्रिजिंग, यानी कि सारे नेटवर्क को एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ब्रिजिंग कहलाता है। अ ब्रिज कनेक्ट्स द डिफरेंट कॉम्पोनेंट सो दैट दे अपियर एज अ पार्ट ऑफ सिंगल नेटवर्क। मतलब एक ब्रिज जो है, मान लीजिए ब्रिज है BRIDGE, इससे LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 सारे इसी से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपके पास क्या होगा कि जब आप इस पूरे ब्रिज की बात करेंगे तो ये सारे LANs एक साथ, मतलब एक तरह से कलेक्टिव हो जाएंगे, एक ही इकाई बन जाएंगे, एक ही पार्ट बन जाएंगे, और इस एक ब्रिज के अंदर ये सारे वर्क करेंगे, ठीक है। राउटर, राउटर आपको पता है, राउटर यही है जिसमें से एक वायर जाता है और वाईफाई से आप मल्टीपल डिवाइसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को प्रोवाइड करता है। राउटर परफॉर्म्स द ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन ऑन द इंटरनेट, यानी ट्रैफिक कहाँ जाएगी, मतलब ये आपने वायर लगाया, उसके बाद आप जो भी जिससे भी इसको कनेक्ट करेंगे, जितने भी आपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए, अपने फोन से कनेक्ट कर लीजिए, राउटर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, मतलब वो सारे सिग्नल्स को, सारे डेटा को पास ऑन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेटवे, अ गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स डिससिमिलर नेटवर्क, अलग अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो गेटवे को यूज करते हैं। इट establishes एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल एंड एक्सटर्नल networks, यानी कि लोकल और एक्सटर्नल networks के बीच में कुछ ये कनेक्शन establish करता है with completely different structure, जिसके structures बिल्कुल अलग होते हैं। मान लीजिए ये तीनों मिलके एक LAN बनाते हैं, ठीक है, और इधर कोई बहुत बड़ा WAN है, तो इस LAN को इस WAN से डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं करा सकते हैं, इसके बीच में आपको क्या डालना पड़ेगा, गेटवे को, ताकि ये दोनों में कम्युनिकेशन आराम से परफॉर्म हो सके, यही काम होता है गेटवे का। नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट, एंड एक्सेस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी वैप, ठीक है, विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एस्टैब्लिशेस कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑन वायरलेस लैन
विद अ फिक्स्ड वायर नेटवर्क। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ से आपके पास मॉडेम में आया इन्फॉर्मेशन, राउटर ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्या किया, राउट कर दिया, और एक स्विच से आपने जाके वायरलेस एक्सेस पॉइंट को दे दिया। अब ये वायरलेस से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्या हो सकता है, पास ऑन हो सकता है। तो ये एक एक्सेस पॉइंट हो गया, एक एक्सेस पॉइंट यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जहां से बहुत सारे डेटा, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस में आप इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को पास ऑन कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वायर नेटवर्क। देखिए ये आखिर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिक्स्ड वायर नेटवर्क से कनेक्टेड है, एंड देन इट ब्रॉडकास्ट वायर सिग्नल। फिर ये वायर सिग्नल्स को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। इट रिसीव्स एज वेल एज ट्रांसमिट्स द डेटा, हेंस कॉल्ड ट्रांस रिसीवर। मतलब ये डेटा को रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, इसलिए इसको ट्रांसीवर कहते हैं, यानी ट्रांसमिट करने वाला भी, रिसीव करने वाला भी, दोनों कहते हैं। तो ये थे सारे डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस मतलब जिन हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हमें पढ़ना था, जो यूज होते हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिए, वन बाय वन पढ़ लिया सारा का। बस आपको पता होना चाहिए, इसमें से MCQs बन के आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।